जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 4 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, बात की जा रही है महिला खिलाड़ी की, उससे पहले हम देखते हैं कि पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है। आपको मालूम होना चाहिए भारत और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के अंदर एक मैच हुआ था जिसे हम कहते हैं वन डे नाइट मैच, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। वन डे नाइट टेस्ट जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था और ये होता ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर यह मैच हुआ था। और इसके अंदर एक किस तरह की बॉल का यूज़ किया गया था, या फिर बोल सकते हैं किस रंग की बॉल का यूज़ किया गया था, दोस्तों इसके अंदर जो है पिंक बॉल का यूज़ किया गया, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो है पिंक बॉल का यूज़ किया गया था। और भारत ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर जो है यह मैच हुआ था किन दो देशों के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य। और इसके अंदर जो है पहला इस फर्स्ट डे नाइट टेस्ट के अंदर जो है शतक बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे विराट कोहली, याद रखना दोस्तों, विराट कोहली जो इन्होंने इस भारत और बांग्लादेश के मैच के अंदर शतक लगाया था और ये जो है पहले भारतीय बने थे जिन्होंने इसके अंदर शतक लगाया था, ठीक है, याद रखना है, विराट कोहली पुरुष में थे। अब बात की जा रही है महिला की, और महिला के अंदर जो है ये मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है, तो सबको याद रखना है, पुरुष के अंदर विराट कोहली में भारत और बांग्लादेश के मैच के मध्य, और महिलाओं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है, महिलाओं में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये मैच हुआ था। इसके अंदर भी किस तरह की बॉल का यूज़ किया गया था, इसके अंदर पिंक बॉल का यूज़ किया गया था। और इसके अंदर जो है पहली शतक लगाने वाली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना, कौन बनी थी, स्मृति मंधाना जो है पहली शतक लगाने पहली भारतीय बनी थी जिसके जिन्होंने इसके अंदर शतक लगाया था, ठीक है, याद रखना है, दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला, पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय विराट कोहली और पहली भारतीय महिला है स्मृति मंधाना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत व बांग्लादेश के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों, पहला डे नाइट टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है यह आयोजित हुआ था ईडन गार्डन के अंदर, ठीक है, याद रखना, मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर जो है इसी के अंदर जो है पिंक बॉल का यूज़ किया गया था और इस मैच के अंदर विराट कोहली पहले भारतीय बने थे जिन्होंने शतक लगाया था, तो ईडन गार्डन के अंदर जो है ये मैच हुआ था। बात की जाए ईडन गार्डन कहाँ पर है, ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए ईडन गार्डन जो है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, ठीक है, ईडन गार्डन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला प्रश्न है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज, तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज है मिताली राज, कौन है, मिताली राज। अगला प्रश्न है, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज, याद रखना है दोस्तों, 100वें टेस्ट मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज, तो विश्व के एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 100वें टेस्ट में 200 रन बनाए हैं वो इंग्लैंड के हैं और उनका नाम है जो रूट, ठीक है, इंग्लैंड के जो रूट। अगला प्रश्न है, टी ट्वेंटी में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज है सोफी डिवाइन, ठीक है, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज है सोफी डिवाइन। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, इसे लॉन्च करने की घोषणा की अमेजन इंडिया ने, ठीक है, अमेजन इंडिया क्या करने वाला दोस्तों, एक फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम बनाने वाला है जिसके अंदर जो है दोस्तों यह बच्चों को कंप्यूटर साइंस जो है यह सिखाने वाले हैं और इसके अंदर जो है इनका सहयोगी होने वाला है code.org, ठीक है, याद रखना दोस्तों, code.org जो है इसके अंदर इनका सहयोगी होने वाला है और इस
प्रोग्राम के अंदर जो है दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं, जो कि 6 से 6 to 12th क्लास के हैं, याद रखना दोस्तों 6 to 12th क्लास के हैं, उन सभी को जो है दोस्तों कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा swagicon.org। और अगर आपसे पूछा गया कि अमेजोन की पहली यूनिट कहाँ स्थापित की गई है, दोस्तों अमेजोन की पहली यूनिट स्थापित की गई है, आप सबको मालूम होगा चेन्नई के अंदर जो है अमेजोन की पहली यूनिट स्थापित की गई है। इस प्रोग्राम के अंदर कितने से कितने के बच्चे हैं, तो 6 to 12th क्लास के बच्चे हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है अमेजन के नए सीईओ है एंडी जेसी। ठीक है दोस्तों, अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी, बात की जाए किनके स्थान पर जो है एंडी जेसी, उनसे अगर आपसे पूछा गया कि एंडी जेसी के पहले कौन थे, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए एंडी जेसी के पहले जो अमेजन के सीईओ थे उनका नाम है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस एंडी जेसी से पहले अमेजन के सीईओ थे। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसके सहयोग से डीजी सक्षम पहल को प्रारंभ किया, तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है इसने एक डीजी सक्षम पहल लॉन्च किया, बात कीजिए किसके सहयोग से, तो पहली बात दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इस मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव, और किसके सहयोग से, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है इसके सहयोग से इन्होंने जो है एक पहल शुरू की जिसका नाम क्या है, डीजी सक्षम पहल। अगला प्रश्न है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए इंजीनियर्स डे हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के साथ साथ ही हम लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं, लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर और इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है और एक कर्नाटक के अंदर, ठीक है दोस्तों मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था कि आखिर ये जो बांध है ये किसने बनवाया था, दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता देना कि आखिर इस बांध को किसने बनवाया था, किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न, जो कि द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में स्लाइनेक्स जो युद्धाभ्यास है, स्लाइनेक्स ये भी दोस्तों आपसे को मालूम होना चाहिए दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति के साथ साथ ही स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास, ये जो है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास भी इसके अंदर शामिल होता है, बात की जैसे इससे आप याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, तो दोस्तों ये जो स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास के अंदर SL है इस SL से हो जाएगा श्रीलंका, और ये जो IN है IN से हो जाएगा इंडिया, और EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है श्रीलंका और इंडिया के मध्य वाली एक्सरसाइज। बात कर रहे हैं मित्र, हम अभी बात कर रहे हैं मित्र शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, और बांग्लादेश ये जो है 4 अक्टूबर से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है शुरू किया गया, ठीक है, और ये जो है एक द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, 4 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। बात की जाए पहले कब से था, तो यह जो है पहले 2022 से भी 2012 से भी चला आ रहा है, और ये जो है मित्र शक्ति इस बार का ये इसका 8वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बात की जाए भारत और सिंगापुर के मध्य, तो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बेक्स। ठीक है दोस्तों, भारत और सिंगापुर सिम्बेक्स, और भारत और श्रीलंका स्लाइनेक्स। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के मध्य होता है सूर्य किरण, भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति स्लाइनेक्स, भारत और मालदीव एक्वेरियन। ठीक है, भारत और मालदीव एक्वेरियन। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है गरुड़ शक्ति, यहाँ पे गुरु शक्ति लिखा है दोस्तों, यहाँ पे है गरुड़ शक्ति। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों गरुड़ शक्ति, तो ये जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास। ठीक है दोस्तों, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति। फिर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य ना होकर भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। ठीक है, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। एक्वेरियन युद्धाभ्यास
और दोस्तों एक्वेरियन मतलब जो है एक्वेरियन आप सभी को मालूम होना चाहिए, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के साथ में, शक्ति जो युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस के साथ में, और एक्वेरियन युद्धाभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के साथ में। ठीक है, अगर बात आपसे बात की जाए मालाबार युद्धाभ्यास के अंदर कितने देश शामिल हैं, तो मालाबार युद्धाभ्यास के अंदर वही देश शामिल हैं जो कि क्वेड के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेड के सदस्य कौन कौन से हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है दोस्तों, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन इन चारों के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास होता है और ये चारों जो है क्वाड के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक्स डेजर्ट नाइट, तो एक्स डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, एक्स डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज है ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले एक्सरसाइज है और यह जो है जोधपुर के अंदर आयोजित की गई थी, और इसके अंदर जो है दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट के अंदर इसके अंदर जो है दोस्तों भारत की तरफ से राफेल ने इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया था। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब राफेल को भारत के अंदर भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया गया था तो उसे शामिल किया गया था अंबाला हरियाणा से, और अगर आपसे बात की जाए इसे किस टुकड़े के अंदर शामिल किया गया था, इसे शामिल किया गया था स्कैडन नंबर 17 के अंदर जो है राफेल को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा गया सिम्बेक्स, तो दोस्तों सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। ठीक है दोस्तों, भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स। अगर आपसे पूछा गया सूर्य किरण, भारत और नेपाल। अब मैं आप सभी को वापस सभी एक्सरसाइज रिवाइज करा के बता देता हूँ, सभी को मालूम होना चाहिए गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। दोस्तों मैं आप सभी को फिर से सभी एक्सरसाइज रिवाइज करा देता हूँ, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और फ्रांस, एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव। बात की जाए सूर्य किरण युद्धाभ्यास की, तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल, मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर, एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस। अब हम देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न, जो कि है 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वेटलैंड एंड इंडिया पोर्टल इसे लॉन्च किया गया है भारत के पर्यावरण मंत्री यानी भूपेंद्र यादव। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इनके द्वारा जो है वेटलैंड एंड इंडिया पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था। बात की जाए वेटलैंड क्या होता है, तो दोस्तों वेटलैंड होती है आर्द्र भूमि जो है उसे हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पोर्टल के अंदर जो है वेटलैंड इंडिया पोर्टल, इसे नाम से आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है जितने भी आर्द्र भूमि भारत के अंदर है उनका जो सभी डाटा है वो सभी डाटा जो है वेटलैंड इंडिया पोर्टल के तहत उनके पास रहेगा। बात की जाए यह जो पोर्टल है कब शुरू किया गया, तो यह पोर्टल शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2021 को जो है यह पोर्टल शुरू किया गया था पर्यावरण मंत्री के द्वारा भूपेंद्र यादव। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया अश्विनी वैष्णव कौन है, दोस्तों अश्विनी वैष्णव है भारत की रेल मंत्री। ठीक है, भारत की रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी कौन है, राजनाथ सिंह कौन है, भूपेंद्र यादव जो है मैंने अभी आपको बता दिया भूपेंद्र यादव कौन है, भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण मंत्री, अश्विनी वैष्णव जो है यह भारत की रेल मंत्री मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आपसे पूछा गया भूपेंद्र पटेल, ठीक है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भूपेंद्र यादव और भूपेंद्र पटेल जो है दोनों अलग अलग है, और भूपेंद्र पटेल जो है यह गुजरात की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और भूपेंद्र यादव वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। दोस्तों हम बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम कहती है, इन 2 फरवरी 2021 की थीम कहती है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर 2021 की। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट हैं। दोस्तों भारत में जो है वर्तमान में कुल 46 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, पहले दोस्तों 42 थी, अब इसके अंदर जो है 4 ऐड कर दी गई है।
अगला प्रश्न है कबरताल झील। तो दोस्तों कबरताल झील जो है ये बिहार के अंदर स्थित है। देखो ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, इसका नाम आपको याद रखना है कबरताल झील बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है तसोकर झील। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है तसोकर झील। अगला प्रश्न है दोस्तों तसोकर झील। तो जो तसोकर झील है यह जो है दोस्तों लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख के अंदर स्थित है। और दोस्तों अब हम देखते हैं वो चार नए रामसर साइट्स जो कि दोस्तों ऐड किए गए थे भारत की रामसर साइट्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया पहले 42 थे, अब 46 हो चुके हैं। तो वो चार कौन कौन से हैं जिन्हें ऐड किया गया है दोस्तों, अभी हम इसे देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, उसके अंदर पहला है थोल। ठीक है दोस्तों, थोल जो झील है इसके अंदर ये पहली झील है जिसे रामसर साइट के अंदर ऐड किया गया है। दूसरी है बंदावाल, सॉरी दोस्तों बंदावल, बंदावल दूसरी है दोस्तों। और तीसरी है भिंडवास, तीसरी है दोस्तों भिंडवास। और चौथी है सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, ये चार जो है ऐड की गई है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए थोल और बंदावाल है। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए थोल और बंदावाल, बंदावल जो है ये दोनों रामसर साइट जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, थोल और बंदावल गुजरात के अंदर है। और ये जो भिंडवास और सुल्तानपुर है, ठीक है दोस्तों, भिंडवास और सुल्तानपुर ये दोनों हरियाणा के अंदर है। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचों प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया। तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों ये पहली बार शुरू हुआ था 2014 के अंदर। ये कार्यक्रम जो है पहली बार शुरू हुआ था 2014 के अंदर। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि ये जो कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा गया नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, तो गंगा जो है दोस्तों उसे प्रदूषण मुक्त करना जो है इस नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, बात के जब प्रश्न के अनुसार इसका शुभंकर क्या घोषित किया गया दोस्तों, इसका जो शुभंकर है वो घोषित किया गया चाचा चौधरी को। ठीक है दोस्तों, चाचा चौधरी को जो है इसका शुभंकर घोषित किया गया। बात कीजिए ये क्या है चाचा चौधरी, दोस्तों ये चाचा चौधरी जो है एक कॉमिक है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमिक बुक है। और इसका शुभंकर रखा गया है, किसका शुभंकर रखा गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर रखा गया चाचा चौधरी को। राष्ट्रीय नदी जो गंगा है इसे प्रदूषण मुक्त कराना ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, भारत का जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है दोस्तों राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, वो है हाथी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर और दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। दोस्तों ये जो दोनों प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। वो टोक्यो ओलंपिक 2020 पूछा गया, 2020 का शुभंकर तो वो है दोस्तों मिराई तोबा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मिराई तोबा और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर। तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है सोमिटी। ठीक है दोस्तों, सोमिटी टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है। अगला प्रश्न है आईपी नानी किसका शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया आईपी नानी किसका शुभंकर है, दोस्तों आईपी नानी जो है यह है बौद्धिक संपदा से इसका शुभंकर, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इससे जो है इसका शुभंकर कौन सा है, आईपी नानी। याद रखना बौद्धिक संपदा का शुभंकर है आईपी नानी।
अगला प्रश्न है चौथे युवा खेल का शुभंकर। ठीक है दोस्तों, चौथे युवा खेल का शुभंकर कौन है? दोस्तों चौथे युवा खेल का शुभंकर है धाकड़। ठीक है दोस्तों, धाकड़। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने भारत सरकार, हिंदुस्तान महाराज का सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने। ठीक है दोस्तों, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जो है इन्होंने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। और बात की जाए किन की जगह पर इन्हें कार्य ये जो है स्थान मिला है, इन्हें मिला है विनय बदवार। ठीक है, बताना चाहिए दोस्तों विनय बदवार जो है इन्हें रिप्लेस कर कर जो है सॉरी दोस्तों वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को जो है बनाया गया। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जो है इनके ही नेतृत्व में दोस्तों 2004 के अंदर जो है आईएनएस सतलुज। ठीक है दोस्तों, 2004 के अंदर इन्हीं के नेतृत्व के अंदर आईएनएस सतलुज जो है श्रीलंका तक मदद पहुंचाने में कामयाब हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार। तो दोस्तों अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार जो है यह दिया गया है विनय वधावर को जो है दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछा गया वायुसेना के नए प्रमुख कौन है, तो दोस्तों वायुसेना के नए प्रमुख है VR चौधरी। ठीक है दोस्तों, वायुसेना के नए प्रमुख है VR चौधरी। अगला प्रश्न है वायुसेना के नए प्रमुख VR चौधरी। अगला प्रश्न है किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो है हम इस रेबीज को जो है हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और दोस्तों हाइड्रोफोबिया उस तरह की बीमारियाँ होती हैं जिनमें दोस्तों हमें पानी से जो है पानी से डर लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया हो जाने पर दोस्तों हम लोगों को पानी से डर लगने लगता है। और दोस्तों रेबीज जो है एक हाइड्रोफोबिया का रोग है। बात की जाए रेबीज डे कब मनाया जाता है, दोस्तों रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है। और यह जो रेबीज का बात की जाए पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों रेबीज का पहला टीका बनाया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा। हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो कि आर्द्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ह्यूमिडिटी मापन ह्यूमिडिटी जो होती है दोस्तों इसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके अंदर उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। बात की जाए भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, एडमिरल करमबीर सिंह भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न जो कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने कहाँ पर अपना औद्योगिक की सुरक्षा समझौता सॉरी दोस्तों औद्योगिक सुरक्षा समझौता। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। पर अब आपको प्रश्न आपस से बता रहा हूँ, हाल ही में भारत और अमेरिका ने कहाँ पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? दोस्तों ये जो औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन है सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन है, पहली बात ये जो है भारत और यूएसए के मध्य जो है 2019 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2019 के अंदर जो है औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के अंदर 2019 में। और इसका जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया है दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दिल्ली के अंदर। और बात की जाए इस औद्योगिक सुरक्षा समझौता जो है किन देशों के मध्य, तो भारत और यूएसए के मध्य कब हुआ था ये समझौता? दोस्तों ये समझौता हुआ था 2019 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है
वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो दोस्तों वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और यूएसए के मध्य आयोजित हुआ है, ठीक है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोस्तों 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है यह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है इसके अंदर भाग लेते हैं। दोस्तों भारत ने जो है क्वाड के अंदर जितने भी देश हैं, क्वाड के अंदर कितने देश हैं मैंने आपको अभी बताया, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत ने जो है इन चारों देश के साथ जो है, दोस्तों तीनों देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो की। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया पहला गैर क्वाड देश जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है, दोस्तों वो है कौन सा, रशिया, ठीक है। दोस्तों बात की जाए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के अंदर क्या होता है, तो दोस्तों एक देश से दो लोग यानी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और दूसरे देश से भी दो लोग रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है। दोस्तों तो पहला गैर क्वाड देश हो जाएगा रशिया जिसके साथ भारत ने मंत्रिस्तरीय वार्ता की है। अगला प्रश्न है G7 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों G7 2021 की थीम है बिल्ड बैक बेटर। कहाँ हुए थे? ये होते कॉर्नवाल, इंग्लैंड के अंदर जो है यह हुए थे। और इंडिया जो है दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स 2021 की मेजबानी किस देश, सॉरी दोस्तों ब्रिक्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ब्रिक्स 2021 की मेजबानी करेगा इंडिया, ठीक है। दोस्तों इंडिया करेगा ब्रिक्स 2021 की मेजबानी। अब हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न जो कि है पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक प्रश्न आएगा आपसे ममता बनर्जी को किसने हराया और एक प्रश्न आएगा ममता बनर्जी ने किसको हराया, ठीक है। दोस्तों बात कीजिए ममता बनर्जी को किसने हराया, तो दोस्तों जब पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जब चुनाव चल रहे थे तो उन चुनाव के अंदर जो है दोस्तों एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। दोस्तों एक पार्टी जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस और उस कांग्रेस की जो हेड है उनका नाम है ममता बनर्जी। और यह जो ममता बनर्जी है इन्होंने जो है नंदीग्राम के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ा था और इसके अंदर जो है इन्हें हरा दिया था शुभेंद्र अधिकारी ने, जो है इन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम के अंदर हरा दिया था। बात कीजिए कितने वोटों से हराया, इन्होंने जो है 1956 वोटों से जो है शुभेंद्र अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, ठीक है। दोस्तों एक प्रश्न तो ये पूछा जाएगा किसने हराया ममता बनर्जी को, शुभेंद्र अधिकारी ने कितने वोटों से, 1956 वोटों से। और बात की जाए कहाँ पर, नंदीग्राम में, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी ने किसको हराया और कितने वोटों से हराया। दोस्तों ममता बनर्जी जो है इन्होंने भवानीपुर में, ठीक है, दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भवानीपुर विधान सीट जो है इस पर हुए उपचुनाव में जो है ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को हराया, ठीक है, याद रखना है दोस्तों कहाँ पर और किन्हें। तो प्रियंका टिबरेवाल को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए जो उपचुनाव थे उसके अंदर ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को हराया। और अगर आपसे पूछा गया कितने वोटों से, तो लगभग जो है दोस्तों 58,000 वोटों से जो है ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को हराया, ठीक है। दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है असम के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत कुमार बिस्वा, सर दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। बात कीजिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। और अगर से पूछा गया तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री स्टालिन। याद रखना है दोस्तों तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा गया केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है, दोस्तों केरल के नए मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बिस्वजराज जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा गया गुजरात के नए मुख्यमंत्री, मैंने अभी आपको बताया भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री। बात की जाए भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं भारत के पर्यावरण मंत्री। अगर आपसे पूछा गया नंदीग्राम
सीट से विजेता कौन है? तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया दिया, नंदीग्राम जो सीट है उस पे विजेता यानी ना ममता बनर्जी को किसने हराया है? शुभेंदु अधिकारी ने, कितने वोटों से? 1956 वोटों से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती ये दोनों जो हैं 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं दोस्तों? 2 अक्टूबर को हम सबको मालूम होता है गांधी, जो महात्मा गांधी, इनका जन्म होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया साल, तो वो साल है 1869। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर के अंदर। और इन्होंने जो है दोस्तों 1984 के अंदर एक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है 1984 के अंदर, महात्मा गांधी ने 1894 के अंदर, सॉरी दोस्तों 1894 के अंदर जो है दोस्तों एक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था नटाल कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, उसका नाम दिया था नटाल कांग्रेस। और दोस्तों बात की जाए कांग्रेस का, उन्होंने स्थापित की थी, तो ये कांग्रेस, ये जो पार्टी, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने जो ये पार्टी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, और इस बार जो है इनकी 152nd जो जयंती है यह मनाई जा रही है। और बात की जाए दोस्तों इन्हें जो है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिलाई थी? दोस्तों इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिलाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिलाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? अगर आपसे पूछा गया कब, तो इन्हें दिलाई थी 1944 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि। ठीक है दोस्तों, बात की जाए यह जो अंतर्राष्ट्रीय, हमें हम सभी को समझ में आता है गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, दोस्तों राष्ट्रीय नहीं पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके पीछे की हिस्ट्री। 2007 के अंदर जो है यूएन की महासभा के अंदर जो है वो एक वोटिंग डाली गई थी, जिसके अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा या नहीं। दोस्तों इसके अंदर जो है ज्यादातर मत जो है दोस्तों ये इसी की तरफ आए थे कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाए, इसलिए दोस्तों 2 अक्टूबर को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कीजिए कब बिल पेश किया गया था, तो यह किया गया 2007 के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हैं, विजय घाट किसकी समाधि है? ठीक है, तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है दोस्तों, याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों बात कीजिए इनका जन्म कब हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। इनका जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर। बात कीजिए कहाँ से यह सत्याग्रह शुरू हुआ था, आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात स्थगित कर दिया? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है ये चोरी चोरी घटना जो है इसके पश्चात जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? दोस्तों कांग्रेस के 1924 का जो अधिवेशन, याद रखना 1924 का अधिवेशन, इसके तहत जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने इस 1924 की अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के अंदर, याद रखना आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के अंदर। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? दोस्तों दांडी यात्रा जो है बारह मार्च को, दोस्तों याद रखना दोस्तों आपको 12 मार्च को जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को। और कब खत्म हुई थी ये दांडी यात्रा आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता यह जो है यह 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ? दोस्तों पूना पैक्ट जो है यह 1932 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट 1932।
अब हम बढ़ते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि है 2 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पहले दोस्तों मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रही फोटो, दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको अभी तिरंगा दिख रहा है, दोस्तों ये जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा खादी का दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है अगर आपसे पूछा गया कहाँ पर, तो दोस्तों यह फहराया गया लेह के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर फहराया गया, यह फहराया गया लेह के अंदर। ठीक है, 1 लाख दोस्तों इस तिरंगे के लिए। तो अगर आपसे पूछा गया कितना लंबा है, कितना कितना फीट लंबा है, दोस्तों ये जो है 225 फीट लंबा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 225 फीट लंबा है ये तिरंगा। और दोस्तों 1 लाख इस तिरंगे के लिए। दोस्तों यही था हमारा आज का, यानी 4 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।